राधे राधे दोस्तों, संस्कृति ब्लॉग में आपका स्वागत है, जहां हम बातें करते हैं रोजमर्रा से जुड़े हुए विषयों के बारे में और मैं आपके साथ शेयर करती हूं अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूं कि आप सब सुरक्षित हैं। तो चलिए, आज के हमारे वीडियो का शीर्षक है अष्टदल का निर्माण कैसे करें। तो वीडियो को शुरू करने से पहले, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को टैप कीजिए, जिससे कि हमारी सभी वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके और वीडियो को लाइक, शेयर और अपने परिवारजनों के साथ बांटना ना भूले और कमेंट बॉक्स में हमारे अंत में पूछे गए सवाल का प्रश्न का उत्तर जरूर दीजिए, जिससे कि हमें पता चल सके कि और साथ ही अपने सुझाव भी दीजिए, जिससे कि मुझे पता चले कि मैं क्या गलती कर रही हूँ या फिर मुझे क्या सुधार करना चाहिए। तो चलिए, अष्टदल का निर्माण करने से, देखिए अष्टदल जिसकी पूजा पाठ में बहुत ही ज़रूरी स्थान है, जैसे कि तो इसे थोड़ा थोड़ा, जैसे आप सभी जानते हैं कि थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती है बनाने के लिए, पर मैं आपको आज एक ऐसा तरीका बताऊंगी जिससे कि आप इसे मिनटों में उसका हमारे पूजा पाठ में एक महत्वपूर्ण स्थान है। तो नवरात्रि आने वाली है तो उसमें हमें कलश स्थापित करना होता है, तो अष्टदल का निर्माण जरूरी है। तो मैं आज आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगी जिससे कि आप मिनटों में अष्टदल का निर्माण कर सकते हैं। तो पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि रोली की सहायता से अष्टदल किस प्रकार आप आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये देखिए, ये प्लेट है, तो अब मैं इस पर आपको बताऊंगी कि अष्टदल आपको कैसे बनाना है। शायद ये आपको वीडियो में ना दिख रहा हो, पर आप मेरे हाथ की मूवमेंट से पता लगा सकते हैं कि मैं किस तरीके से अष्टदल बना रही हूँ, और ये इतना क्लियर भी ना हो पर फिर भी आप लोग समझ जाइएगा। कुछ नहीं है, सीधी सीधी लाइनें खींचनी है, ये बहुत ही आसान है बनाना। तो अभी ये कुछ चमक नहीं रहा है, पर कोई बात नहीं, सूखने के बाद शायद नज़र आने लगे, पर कोई बात नहीं। मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आप मेरे हाथों की मूवमेंट से पता लगा रहे हैं कि कैसे बनाया है। तो ये अष्टदल तो बन चुका है फ्रेंड्स, पर शायद ये आपको दिख नहीं रहा है। देखिए, आप देख सकते हैं इसको, इसमें आप कुछ भी दिया रख सकते हैं या कलश रख सकते हैं। तो ये हुआ हमारा फ्रेंड्स कि ये मैंने चावल लिए हुए हैं, इन्हें मैंने रात में ही भिगा दिया था कलर में और सुबह मैंने सुखा दिया, जिससे कि ये रंग के हो गए। अभी वैसे तो लाल रंग की रोली से, लाल रंग के चावल से बनाते हैं, पर कोई बात नहीं, आपके पास जो भी हो आप उससे बनाइए, मैं आपको आसान तरीका बताती हूँ। देखिए, आप सबसे पहले ऐसे कीजिए कि चावल लीजिए, इस तरीके से बनाइए। देखिए, अब मैं आपको पूरा थोड़ा थोड़ा बताती हूँ और मैं बना के आपको बताऊँगी, क्योंकि अगर मैं बनाऊँगी तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। इसको, चावल को इस तरीके से गिरा लीजिए और इनको इस तरीके से एक गोला बना लीजिए और इसे थोड़ा सा ठीक कर लीजिए, कुछ इस तरीके से, ताकि अब कि आप चावलों को अच्छी तरीके से फैला दीजिए। उसके बाद क्या कीजिए, एक, दो, तीन, चार, इस तरीके से लाइन बनाइए और उसके बाद इसको कुछ इस तरीके से कीजिए अपने उंगलियों के द्वारा कि ये शेप में आ जाए। तो इस तरीके से मैं एक बार आपको कर लेती हूँ, फिर आपको पूरे तरीके से दिखाती हूँ, पर आपको करना ये इस तरीके से ही है कि ये बन चुका है। इस तरीके से आप बना सकते हैं, ये बहुत आसान तरीका है कि आप अपने दो उंगलियों की सहायता से इसे इस तरीके से बना सकते हैं। और लास्ट में कुछ थोड़ा सा इसको फिनिशिंग देने के लिए आप ऐसे कोने निकाल दीजिए, जिससे कि ये पूरी तरीके से अच्छे से हो जाए। और बिल्कुल अंत में आप ऐसे बीच में एक गोला बनाइए
और आपको जो भी रखना है आप इसके बीच में रख लीजिए। तो ये हमारा अष्टदल था रंगों की द्वारा, और ये रहा हमारा जो मैंने आपको दिखाया कि ये हम रोली की सहायता से किस तरीके से बना सकते हैं। तो ये रहा फ्रेंड्स जो मुझे आपके साथ शेयर करना था। तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और हमारा आज का ये प्रश्न है कि श्री कृष्ण की 8 मुख्य पटरानियों के नाम आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, और साथ ही अपने सुझाव हमारे साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।